बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, आइए मीठे मीठे भाव सुंदर साथ जी के। प्रणाम जी श्रीनिवास शंकर, प्रणाम जी। प्रेम प्रणाम सुंदरता जी, आपको बहुत आनंद आया है। आज का जो हमारी श्री दीपक साहब का जो विषय है वो वास्तव में बहुत ज्ञान गर्भित सुखदायी है, पहचान कराता है ब्रह्म आत्माओं की और राज जी महाराज की। सबसे पहले तुम्हें सुनीता सिंघल द्वारा वाणी गायन, मेरे अंधभागी जीव पुत्रों सुताई, बड़ा मीठा भाव सुंदर भाव, उनके श्री चरणों में मेरा प्रेम प्रणाम। मूर्ति स्थूल होती है जबकि वस्त्र कोमल होते हैं। उन्होंने जो है बालमुकुंद जी ने इनको अपने स्वरूप के लिए देने के लिए मना किया और कहा कि बांके बिहारी के वस्त्र दे दीजिए, तो दोनों में ये जो हमको आज बताया गया कि इनमें अंतर क्या है, एक फोटो में और एक वस्त्र में अंतर क्या है। कि जो मूर्ति होती है वो एक जड़ है, वो एक स्थूल होती है, जबकि वस्त्र कोमल होते हैं और अपने इष्ट के वस्त्रों से प्रेम होता है। बहुत अच्छा लगा ये चीज हमको आज, बहुत अच्छी हमारे को ज्ञान प्राप्त हुआ कि वास्तव में इन्हें जिनकी इस जड़ मूर्ति से तो ऊपर वस्त्रों की मूर्ति तो इससे भी ऊपर चली गई, जबकि स्थूल के अंदर जो है जड़ में इतना प्रेम नहीं है। श्यामा जी पियाजी से कहती हैं कि जैसे नचाओगे तैसे हम नाचेंगे, अर्थात जो कुछ भी यहाँ पर हो रहा है वो हम वैसा ही कर रहे हैं, जैसा श्री राज जी महाराज की इच्छा है उसी के हिसाब से हम यहाँ पर कर रहे हैं। गुरु हरदास जी कहते हैं कि बाल मुकुंद जी ने जब वो दर्शन दे दिए और सारा कुछ बता दिया कि मेरे स्वरूप को उनको देने के मैं उनकी सेवा नहीं सह सकता, तो सारा कुछ बताने के बाद में अब गुरु हरदास जी को आया, मैं तो इनसे सेवा करवा रहा हूँ आज तक। जब उनको स्वरूप की पहचान उन्होंने कराई तो वो वहां से जाते हैं और गुरु हरदास जी कहते हैं कि बाल मुकुंद जी ने तुम्हारे स्वरूप की पहचान कराई। देवचंद जी महाराज से कह रहे हैं कि आज तक मुझे तुम्हारे बारे में पता नहीं था कि तुम हो कौन, मैं तो तुम्हें एक शिष्य ही मानता था। उन्होंने बताया कि देवचंद जी की आत्मा राधा रानी बाकी बिहारी जी की एलादनी शक्ति है, अर्थात तुम्हारे अंदर जो बैठी है वो राधा रानी है और वो बांके बिहारी की एलादनी शक्ति है। इसी को ये पता पड़ता है कि जो बाल मुकुंद है उनकी पहुंच कहाँ तक है, उनको भी ये नहीं पता पड़ा श्यामा महारानी, क्योंकि इससे ऊपर वो जा ही नहीं सकते, क्योंकि बाल मुकुंद तक पहुंचे, सिर्फ बाल मुकुंद तक का उन्होंने वर्णन कर दिया। तो रूप एवं स्वरूप इन दोनों में आज हमने अंतर बताया कि रूप क्या है, स्वरूप क्या है। रूप बाहरी को कहते हैं जबकि स्वरूप अंदर बैठी अलौकिक शक्ति को कहते हैं। ये आज हमें आपके धाम में बैठे श्री राज जी महाराज ने बताया, बहुत अच्छा लगा। हमें वहां नहीं जाना चाहिए जहाँ देवचंद जी, क्योंकि देवचंद जी महाराज भी तक हमको ये शिक्षा दे रही है कि उन जगहों पर हमें नहीं जाना है, या वो कार्य हमें राज्य की प्राप्ति के लिए जो जो कार्य उन्होंने किए वो सब कार्य को हमें करने की जरूरत नहीं है। हमें तो सीधा रास्ता बता दिया कि हमें तो मूल मिलावे के अंदर बैठे हुए जीवन स्वरूप का जो है ध्यान चुकमनी में लगना है, और जो जो पहचान करने के बाद सेवा करते हैं वही सेवा कहलाती है, और बिना पहचान की सेवा करने से दिल दुखी हो जाता है तो वो सेवा खंडित हो जाता है। बताया क्योंकि जो वो जब जाते हैं पानी लेकर के आते हैं, यदि परछाएं भी पड़ जाती है तो भी डाल देते हैं, और लील बाई के द्वारा बार बार उनसे रिक्वेस्ट करती हैं कि हमें आप ये सेवा हमको दे दो, कहीं तो उन्होंने पहली भी होगी, लेकिन जब उनकी सहेलियों के द्वारा ज्यादा जोर डलता है तो फिर वो कानून विनय करती है कि मुझे जो है वो हमारी जो सहेली है वो हम पर ताने मारती है। तो उन्होंने कहा कि तुमको उनकी स्वरूप की पहचान नहीं है, और तुमने अगर वो सेवा करोगी या तुम्हारा दिल दुखी हो जाएगा कहीं भी किसी भी बात पर, तो फिर वो सेवा सेवा नहीं रहेगी। ये बहुत अच्छा आपके हृदय कमल से निकले विचार हमारे हृदय में आए, और
एक आपके द्वारा बताया कि हम प्याजी को कैसे प्राप्त कर सकते हैं कि बंदर के समान, जिस तरह एक बंदर जो था वो चोटी पे चला गया, बाकी तो सब बीच में से वापिस आ गए। जब उससे पूछा गया कि तुम कैसे ऊपर चले गए थे, बोले भाई हमने तो बहुत आवाज लगाई थी नीचे उतर जाओ नीचे, तो तुम नहीं जा सकते। बोला मैं तो बह रहा हूँ, नहीं जा, मुझे तुम्हारी आवाज नहीं आई, मैं इसलिए चढ़ गया ऊपर। तो इसके लिए हम अब ये इसमें जो हमको शिक्षा है कि हमें भी माया से जो ना बहरा पड़ना पड़ेगा, और तभी हम राज्य को प्राप्त कर सकते। गीता बहन जी के द्वारा अति सुंदर मीठा भाव अर्जी गायन उनकी भी श्री चरणों में कोटी कोटि प्रेम प्रणाम प्रणाम जी। प्रणाम जी, श्रीनिवास अंकल प्रणाम जी, आपके चरणों में कुतान कोट प्रणाम जी, प्रणाम जी। हाँ जी, चांद कमल आंटी आपने भी हैंड रेस किया था सबसे पहले। हाँ जी प्रणाम जी, बिल्कुल किया था। हाँ जी प्रणाम जी, हाँ जी प्रणाम जी, प्रणाम जी, बिल्कुल किया था। मैंने सोचा अभी बहुत सुंदर साथ और को भी मौका देना चाहिए, मैंने ये लगा मुझे, इसलिए मैंने हाथ नीचे कर दिया। सुंदर साथ जी, वैसे तो पूरी तकिया में कितनी सुंदर सुंदर शिक्षाएं देती है, पर हमें अभी तो ये सीखना है कि कितने कितनी मेहनत कर रहे हैं वो हमारे लिए। पत्थर तोड़ करके उन्होंने नदी हमारे लिए बहा दिए, अगर हम भी ना अभी भी ना चले तो कितनी, मैं तो क्या बोलूंगी कि लानत है हमारे लिए। अभी भी अगर हम ना करें तो बहुत ही सुंदर, बहुत ही सुंदर, इतनी मेहनत, कितनी मेहनत वो कर रहे हैं ना, दिल अंदर तक ना द्रवित हो जाता है। वो श्यामा जी जिनको हम अपनी सुभान कहते हैं, जिनको वो अपनी प्राणेश्वरी हृदयेश्वरी कहते हैं, वो तो हमें भी यही कहते हैं, वो हमारे लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं। सोचिए जरा, जिनके वो जो ना धरती का कण जो था ना, धरती थी ना वहां परम धाम की, वो राज्य खुद ही थे, वो श्यामा जी के चरण वहां पर पड़े, कहीं उनको तकलीफ ना हो, इसलिए वो धरती के रूप में कितने कोमल हो जाते थे कि मेरी श्यामा जी को तकलीफ ना हो। उसी श्यामा जी ने को इतना चलवाया उन्होंने, इतने छाले पड़े उनके पैरों में, कितना कितना मतलब दिल को हिला देने वाली बातें ये सुन करके। और फिर भी अगर हम ऐसा अभी भी बैठे रहे, हम आलस करते रहे, नींद आ रही है या कुछ और भी बहाने बनाए अभी ये, तो फिर तो ये सचमुच हमारे लिए शर्मिंदगी वाली बात है। पर सुंदर सा जी, एक बात तो निश्चित है, ये 100% निश्चित है, राजी अब पूरा बल लगाकर हमें उठाने में लगे होंगे, अब वो छोड़ने वाले नहीं है। गीता दीदी ने बड़ी सुंदर जी गाई, तुम हो तैसी कीजिए, वो खुद तैसी ही कर रहे हैं। अब हमारे जैसी करने लगते हैं ना तो हमें भुला देते, वो पड़े रहने देते, खड्डे में पड़ रहे हो तुम, जिस खड्डे में पड़े रहना चाहते हो ना, कीचड़ में वो कीड़े बने रहना चाहते, पड़े रहो। राज जी ने वो नहीं किया, वो अपनी ही कर रहे हैं। तभी कहते हैं तुम हो तैसी कीजिए, अगर हमारे जैसा किया तो हम तो तड़प ही जाएंगे, वो अपने जैसा ही कर रहे हैं। तभी वो देखिए उठा उठा के हमें झिझोड़ झिझोड़ कर जगा रहे हैं, उठ जाओ उठ जाओ उठ जाओ, ऐसे झिझोड़ कर जगा रहे हैं। तो ये तो धनी जी का बहुत बहुत शुक्रिया जो हमें यहाँ लाए हैं। मैं तो अपनी बात जानती हूँ, मुझे तो आज भी याद करके भी मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं, मैं कहाँ थी और राज्य में पकड़ पकड़ के कहाँ ले आए। इतना गर्व होता है ना, अपने आप पर ही गर्व होता है, राज्य आपने इस जीव को इतनी ज्यादा अपना आशीर्वाद दिया, सच में ये जीव भी आपने धन्य कर दिया, इतने इतने राज्य मेहरबान है हमारे। सुंदर साहब जी, हमें यही प्रेरणा लेनी है कि अब हमें उस राह पर चलना है जहां धनी हमें ले जाना चाह रहे हैं। एक कदम तुम बढ़ाओ, वो कहते मैं बाकी कर लूंगा, वो कहते 11 कदम भी वही बढ़वा रहे हैं, बिल्कुल सही बात है, 100% श्योर है वही करवा रहे हैं। बस एक वो अगर हाथ पकड़ रहे हैं, थोड़ा सा हाथ ऊंचा कर दो, पकड़ के तो ले जाएंगे पूरी, उसमें आएगा ना जाके धनी है पकड़े हाथ, धनी तो हाथ पकड़ने के लिए तैयार बैठे हैं, जरा सा अपना हाथ ऊंचा कर दो, पकड़ लेंगे, खींच लेंगे बिल्कुल। कीचड़ में से हम धसे पड़े ना गर्दन तक, वहां से भी खींच करके हमें बाहर ले आएंगे। तो बहुत ही सुंदर आज की जो अर्जी बड़ी अच्छी लगी, और सुनीता का भजन भी बहुत अच्छा लगा, वो जो दर्द था ना गीता जी का, वो इस अर्जी में एक एक वाक्य में वो दर्द है, वो ऐसी दर्द भरी अर्जी है ना, इसलिए उसको कभी भी हम लोग, कभी भी कोई मौका था तो वो अर्जी तो यूं निकलती है ना, अंदर आहत कर जाती है बिल्कुल। बहुत ही आनंद आया सुंदर साजी, और आप लोग सारे ही आनंद दिला रहे हो,
राज जी बहुत मेहरबान है। मैं तो कहती हूँ आप लोग जो दिला रहे हो आपके अंदर बैठ के राज जी दिला रहे, राज जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। चाहे वो सोनिया के माध्यम से हो, चाहे गीता जी के माध्यम से, एक सुनीता के माध्यम से, जिसके भी माध्यम से आप दिला रहे हो ना, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। उनके चरणों में हमारा कोटि कोटि प्रणाम जी। प्रणाम जी सुंदर सा जी, आप सबके हृदय में बैठे हुए धनी के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम जी। प्रणाम जी सुंदर सा जी। प्रणाम जी। चांद कमल आंटी बहुत सुंदर, मैं ना बड़े दिन से सोच रही थी, यहाँ गर्मी पड़ने लगती है, हम क्या कहते हैं चलो थोड़े दिन हिल स्टेशन जा आते हैं, कहीं राज्जी को हम यूज तो नहीं कर रहे कि चलो यहाँ दुख पड़ने लगे हैं थोड़े दिन, चलो राज्जी ये सुख ले लेते हैं, फिर सुख आएगा माया में, फिर हम यहीं रल जाएंगे, फिर हम यूज तो नहीं कर रहे राज्जी कहीं आपके नाम को, या हल्की सी गर्मी चलो भाई हिल स्टेशन जाके, उनको ऐसा तो नहीं कि ये भी एक स्वार्थ है, राज्जी तुझे मांगने में भी एक स्वार्थ तो नहीं है, इस स्वार्थ से ऊपर उठना है हमें सुंदर साथ जी, माया के दुख से दुखी होके उसको नहीं मांगना, केवल तू ही मेरा इसलिए उसको मांगना है। मैं सोच रही थी कल, जैसे सुंदर साथ जी कई बार होते हैं ना, बच्चा शरारत करता है, हम कहते हैं मेरी नहीं मान रहा, आशीष आप बताओ आपकी मान लेता है, कभी कभी ऐसे बोलते हैं ना अपने पति को, मेरी तो नहीं मानता आप, इंद्रावती जी वैसे भी कर रही हैं कि मेरी तो नहीं मान रही राज जी, आपके तो हुक्म के हाथ में है ना, आप मनवा लो ना इनसे जो मेरे पीछे लगाई हैं ये आपने सारी, ये सारी रूहों के सामने मुझे जो अक्षरातीत बना के खड़ा कर दिया है, एक वो खड़ा कर दिया, पर हुक्म तो आपके हाथ में है ना धनी, आप ही बोलो तब मान जाएंगी, घुमा दो ना हुक्म की छड़ी, कर दो ना खेल खत्म, ऐसे मांगती हैं सुंदर साथ जी, इंद्रावती जी हमारी वकील के रूप में खड़े होके, बहुत सुंदर, बहुत तड़प है सुंदर साथ जी उनके हृदय में। प्रणाम जी तनेजा अंकल, प्रणाम जी। प्रणाम सुंदर सासी, बहुत बहुत कोटि कोटि आप सबके चरणों में मेरा प्रेम प्रणाम। सबसे पहले तो मेरी गीता बहन को बहुत बहुत प्रणाम। वास्तव में अर्जी ऐसे ही गाई जाती, अर्जी का मतलब ही विरह, और विरह होगा तो ऐसी अर्जी दिल से निकलेगी, अन्यथा तो कई जगह मैंने देखा अभी तक के बाद अर्जी गाई जाती है तो बड़े सुंदर सुंदर वाजंत्र बजाकर अर्जी गाई जाती है, अर्जी इस तरह से नहीं गाई जाती, अर्जी तो गीता बहन ने जैसे गाई। अगर अर्जी गाते हुए, मैं हमेशा अपने आप को भी उस अनुसार से कहता हूँ, जब भी पीड़ा हो तब राजी के सामने अर्जी बोलो, अर्जी गाओ, अर्जी करो, गाओ नहीं करो, अर्जी करने से अगर आपके अंदर आंसू निकल गए तो समझो आपका कनेक्शन हो गया, आप राजी से कनेक्शन है। बहुत ही कोटि कोटि गीता बहन को प्रणाम। कल मैंने राजी से प्रार्थना की कि आज कुछ बताओ, चौपाई बताओ मंदिर में बैठकर, तो बड़ा सुंदर आज के प्रसंग के लिए शायद, क्योंकि हरिदास जी और देवचंद जी का जो मिलन है ये अपने आप में एक बहुत ही अद्भुत लीला है, एक सुंदर कारण है और उसका और भी सुंदर महाकारण की लीला हो रही है कि देवचंद जी हरिदास जी के सेवा कर रहे हैं और हरिदास जी देवचंद जी की पहचान नहीं कर पा रहे। मामती प्राणा जी ने वाणी में खुलासा ग्रंथ, खुलासा का मतलब स्पष्टीकरण, तो उन्होंने स्पष्टीकरण किया होगा शायद मेरे लिए, मोहम्मद कहे सुनो मोमनो मौला अति गुजरा, कितने मेहरबान है, मेहर होत जिन पर ताए लेत कदमों हक। अब कौन किसके कदमों पड़ रहा है, हरिदास जी देवचंद जी के कदमों में पड़ रहे हैं, देवचंद जी अपने गुरु को गुरु मानकर पढ़ रहे हैं, लेकिन सेवा का असली भाव हमें सीखना है तो हम इस हरिदास जी के प्रसंग से लें, और कभी कभी प्रैक्टिकल रूप में देखें तो हम घर में राजी की सेवा पूजा करते हैं, पहले उनको बुलाते हैं, फिर आरती उतारते हैं, भोग लगाते हैं, सरूप पढ़ते हैं। सुंदर साहब जी, ये मेरा मन का भाव है, सेवा बोली नहीं जाती, की जाती, हम सेवा करें मन से करें, और सेवा अपने आप में चितवन है। आप से प्रातः काल की सेवा पूजा या सायंकाल की सेवा पूजा कुछ भी करते हैं तो आप सीधा परम धाम की वो चितुनी ही करते हैं, ऐसा मान के अगर हम करें, क्योंकि कई बार स्वरूप सुंदर साहब कहते हैं कि
स्वरूप बोला जा रहा है, ध्यान से सुने। स्वरूप बोला नहीं जाता कभी, स्वरूप का वर्णन किया जाता है। साक्षात खड़े होकर स्वरूप का वर्णन किया जाता है, तभी हम कह पाएंगे स्वरूप सुंदर, संकुल, सुकोमल। अन्यथा तो किताबी किताब तो पढ़ने में लगता। और दूसरी प्रैक्टिकल बात जो है कि हम ये मोबाइल की बीमारी जो है ना, ये हमारे साथ बहुत चलती है। मैंने देखा पन्ना धाम में जाएंगे, कहीं भी जाएंगे, मोबाइल साथ में रहेगा और परिक्रमा कर रहे हैं साथ में मोबाइल पे बातें कर। मतलब राज्य से मैंने एक बार इलाहाबाद में गया था, सुंदर साहब के घर में थोड़ा सत्संग हुआ। एक इनके घर सत्संग हुआ, उनकी एक और बहन आ गई सुनने के लिए, तो यही अर्जी की चर्चा हो रही थी, पिया तुम बहुत ऐसी कीजियो। और चलते चलते अंतिम चरण में पहुंचे, तुम दुल्हा मैं दुल्हनी और न जानूंगा। मैंने कहा सुंदर साहब जी, ये कहने से पहले मन साफ कर लेते, कभी भी राजी को धोखे में मत रखना, आप उसको हल्के में मत लेना राजी को कि तुम दुल्हा मैं दुल्हन। कोई पति पत्नी अपने पति को हल्के में लेती है, ऐसा कभी मत कर। सुंदर साहब जी उसका रो रो के ना बुरा हाल हो गया कि हम तो बोला करते हैं, हम अर्जी करते नहीं, हम अर्जी बोलते हैं, अर्जी की जाती है, स्वरूप का वर्णन किया जाता है, आरती की नहीं जाती, आरती उतारी जाती है राजी को। आरती हम करेंगे साक्षात राजी को सामने रखकर बैठेंगे, तब हम आरती करेंगे। हसी में मैं कहता हूं कि कोई वाणी पढ़ रहे हैं, वाणी के कार्यक्रम में बैठे हैं, सत्संग में बैठे हैं, वाणी चर्चा हो रही है, फोन जेब में रखा हुआ है, फोन की घंटी बजी, तो हम क्या कहते हैं, राजी काइंडली वेट, यू आर इन द क्यू। राजी वो बोल की तरह जाते हैं, काइंडली वेट, यू आर इन द क्यू, हम फोन पर आ गए। ऐसे सेवा नहीं होती, ये हमें राजी महाराज, हमें हरिदास जी के और इस प्रसंग से हमें सिखाई जा रही है। और एक छोटी सी कहानी जो हमने कई बार सुनी होगी कि पहले धोबी, पुराने जमाने में धोबी कपड़े धोते थे ना, तो कपड़े धोने के दो तीन तरीके होते हैं, एक मसल के धोते हैं और एक पटक पटक के पत्थर पे मार के। तो धोबी कपड़े धो रहा था, मार रहा था, तो कपड़े ने कहा कि धोबी ये मेरा क्या कसूर है, तू तो मुझे इतने मार मार के मेरा तुम्हें बुरा हाल कर रहा है। तो कहता मैं तुझे मार नहीं रहा, मैं तेरी मैल निकाल रहा हूँ। ये है राजी, ये जो जितने भी दुख आते हैं ना हमारे, जिसको हम दुख समझ लेते हैं, ये वास्तव में राजी की मेहर है कि वो हमारी मैल निकाल निकाल कर फिर हमें उस खिलवत में लेके जाएंगे। और कल मैंने खिलवत की भी एक छपाई बोलकर मैं अपना बात पूरी करता हूँ कि जैसे मन के भाव है मेरे कि खिलवत में राजी आपसे पूछेंगे सारी बातें वापस, और हमारा जवाब क्या होगा, ये भी महामती प्राणा जी ने खिलवत में लिखा कि धनी मेरा अलस का, मैं तुम्हारी अर्धांग। फाइनली जाके हमने स्वीकार कर लिया वहां जाकर, माया का खेल देखने के बाद, मार खाने के बाद, और राजी की मेहर इतनी कि मैंने कहा खिलवत में कि धनी मेरा अरस का, मैं तुम्हारी अर्धांग, और वेश बदल सुनाए वचन, दिया दीदार बदल के अंग। मतलब आप आए और हमें आपने इतना दीदार दिया कि अब मुझे वापस नहीं जाना है। तो सुंदर साहब जी, बहुत ज्यादा ना कहते हुए आपके सबके चरण में प्रणाम। जो भी करें प्रैक्टिकल लाइफ में सच्चे दिल से करें। मतलब वो कई बार चोर भी होता है ना, वो चोरी करता तो सच्चे मन से करता है कि मंदिर में जाता था, रोज चोरी करता था और पुजारी भी आता था, लेकिन एक दिन पुजारी नहीं आया, उसने दरवाजा नहीं खोला, लेकिन चोर पहुंच गया वहां चोरी करने के लिए, तो साक्षात परमात्मा ने उसको दर्शन दे दिया, तू सच्चा भक्त है, पुजारी मेरा सच्चा भक्त नहीं। तो जो भी करे सच्चे मन से, कम करे अच्छा करे, कम बोले मीठा बोले। प्रणाम सुन सा प्रणाम जी, प्रणाम जी, बहुत सुंदर तनेजा अंकल आपके चरणों में प्रणाम जी, प्रणाम जी। हाँ जी ज्योति सिंह जी, प्रणाम जी। प्रणाम जी सुंदर सिंह जी, प्रणाम जी, आवाज आ रही है सुनिए जी? हाँ जी बहुत सुंदर आ रही है। प्रणाम जी सुंदर सिंह जी, सबके चरणों में बैठे मेरे प्रीतम को पल पल प्रणाम, कोटि कोटि प्रणाम जी, सभी सुंदर सिंह जी के चरणों में प्रणाम जी। आज हमने आपके मुख से धनी जी ने जो आपके दिल में बताया कि हम सब सुंदर सांस को कैसे मूर्ति पूजा में लगे थे, हम उनको तो मालूम नहीं था कि धनी कहाँ है, कैसे खोज में निकले हैं,
हमें तो हम अपने को बोले हमें तो सब कुछ मालूम है कि धनी हमारे लिए कितनी कठिन तपस्याएं की उन्होंने, कितने दिनों तक अपने शरीर को कसनी पे कसा, तब जाके उनको क्या क्या किए, तब जाके धनी की उनको पहचान हुई। हमें तो धनी ने सब कुछ बता दिया है, हमारे लिए तो कुछ भी नहीं है, हम कुछ भी नहीं किए, हमारा क्या कुछ भी नहीं कसनी किए, ना कुछ तपस्या किए, ना कुछ भी नहीं किए, फिर भी धनी हमारे लिए कितने हमारी श्यामा महारानी जी ने किसके लिए कि हमारे लिए ही ना इतनी तपस्याएं, ये रास्ते हमारे लिए बोलते हैं ना कि हमारे लिए रास्ते ऐसे बना दे कि हमारे जो सुंदर साथ आएंगे उसे थोड़ा भी तकलीफ नहीं हो, थोड़ा भी उन्हें दुख नहीं सहन करना पड़े। हमारे लिए कंदराओं को काटते काटते पत्थर कांटे भरे रास्तों को वहां तक गए। हमें अभी अब बताई जो हमारे श्रीनिवास अंकल ने बताए और हमारे चांदंती ने, कितनी अपने आप को ये अनुभव करके ही दर्द महसूस होता है कि हमारे लिए कितनी तपस्याएं की, कितने तकलीफें सही, हम क्या कर रहे हैं, हम ऐसी ऐसी बातों को लेकर के, छोटी छोटी बातों को लेकर के, थोड़ी सी राज्य के लिए, थोड़ी सी अपने मन से कैसे गलत गलत नहीं बोलते हैं मतलब, लेकिन थोड़ी सी के लिए दूर हो जाते हैं राज्य। राज्य हमारे लिए एक टक नजर बैठाए बैठे, मेरी रूह अब तो देख, अब तो देख, अब तो माया से थोड़ी देर टाइम निकाल के मेरी ओर नजर कर, अकेले में बैठ के मेरे दिल की बातें सुन ले, मेरे दिल में क्या चल रहा है, इतनी लगी है तेरे लिए मैं क्या क्या किया क्या नहीं, जो अनहोनी था उसको भी इस दुनिया में ला के कर दिया, मेरे लिए थोड़ी सी टाइम निकालना तेरे लिए मुश्किल हो रहा है। धनी हमारे लिए तड़प, मुझे तो यही लगता है जब भी नजर मतलब धनी की तरफ अकेले होती हूँ तो यही महसूस होता, धनी हमारे लिए तड़प रहे हैं हर पल, एक तक नजर बैठाए पलक भी नहीं झपका रहे, मेरी रूह मेरी ओर देख ले, तुझे थोड़ा भी माया में तकलीफ होता है मैं सहन नहीं कर पाता, वो हमारे लिए है कि तुझे जो दर्द होता है ना उससे कई गुना हमें दर्द होता, मेरी तरफ आके देखे तो तुझे वो आनंद का रस भर दूंगा, तू मेरी तरफ निकाल टाइम निकाल दे किसी तरह, अकेले में मुझे मेरे दिल की बातें सुन और अपने दिल की बातें कर, यही लगता है मेरे तो। धनी ऐसी ऐसी बातें कर जीव हमारा अभी तक हम कहाँ है, जब तक सुनते हैं लगता है हाँ फिर भी थोड़ा देर के लिए थोड़ा पल के लिए माया खींच लेती है, तो धनी से यही विनती कि धनी हमें वही पल जैसे अभी हम जब सुनते हैं तो हमारे दिल में बीरा तरफ हो धनी से मिलन, अपना जो चितवन की तरफ आगे बढ़ना वो लगा रहता है, धनी हमें आठों पहर ये लगाए रखो और जो आप दे रहे हो या कहीं भी जहाँ भी हमारे वो संप्रदाय खोलिए तहाँ धनी का वो मिठास वो सुगंधी मिलते रहती है, तो ये जो आनंद हमें धनी बरसा रहे हैं तो उसे हम अपने आप को ये सचेत करके आगे बढ़ते हैं, बढ़ते जाना है कि धनी अब जल्दी जल्दी ऐसा कर रहे हैं कि जल्दी जल्दी अपने अपने इस कॉल फाइल को निभाओ और रहनी में आकर के हमसे मिलो, बहुत दिन हो गया। धनी ये भी बता रहे हैं कि जिससे ये मूर्ति पूजा ये सब तुम क्या हो, अपने आप को पहचानो, हमें भी पहचानवा रहे हैं कि तू पहचानो अपने आप को क्या है, तू श्यामा महाराज महारानी की अंग है, उससे हार्दिक के कदमों पर चलो, कितनी बोल रहे हैं कि तुम्हारी हम सेवा नहीं कर पाएंगे श्यामा जी से धन देव चंद जी के, तो भी हमें पल याद दिला रहे हैं कि तुमने जो रास के ब्रिज में जो खेली है उनकी भी बोल रहे हैं कि जो जीव अखंड हो गए हैं वो बता रहे हैं कि तुम अपने आप को भी चीनो, तुम किसकी अंग हो, तुम उस धनी की अर्धांगिनी है और कहाँ यहाँ आके क्या कर रही हो, तो आपके दिल में बैठे मेरे पिया को कैसे कैसे शुक्रिया करूं, या बोलते हैं कैसे उनका एक एक जो मेहर कर रहे हैं तो उसका कैसे उस मेहर को शुक्रिया करने की भी नहीं है, बोलते हैं कि एक मेहर की शुक्रिया करो तो पूरी जीवन निकल जाएगी, धनी की ऐसा लाड़ ऐसा प्यार, धनी की बातों को क्या कहें, बस अंदर ही अंदर वो महसूस हो रहा है, जुबान पे उतना ही बोलते हैं बोला नहीं जाता, बोलते हैं ये बोलेंगे लेकिन आता नहीं है। प्रणाम जी सुंदर सांग जी, प्रणाम जी, धनी का मेहर है जो पल पल बरस रहा है, प्रणाम जी जी ज्योति जी, प्रणाम जी।
मैं कुछ नहीं करती सुंदर साथ जी, करने वाले केवल धनी है, क्योंकि उन्हीं को आता है, उन्हीं को पता है पूरे परम धाम का, मुझे तो कुछ पता ही नहीं। पता नहीं कैसे कर रहे हैं पिया, मैं भी नहीं जानती। प्रणाम जी, मैं खुद अचरज में हूँ सुंदर साथ जी कि क्या धनी करते जा रहे हो आप। प्रणाम जी। दुष्यंत भैया, अनु दीदी आप भी उसके बाद रेडी रहिएगा, उनके बाद आपने हैंड रेज किया था। प्रणाम जी भैया। प्रणाम जी सुंदर साहब जी, प्रणाम जी सोनिया दीदी। सोनिया दीदी, आज की चर्चा के बारे में मैं क्या कहूं। जैसा गूंगे को गुड़, गूंगे से पूछा जाए कि गुड़ में कैसा स्वाद है, वो स्थिति आज थी। अब ये मैं निर्णय नहीं कर पाता हूं कि कल का आनंद ज्यादा था या आज का ज्यादा था। आज का तो इतना आनंद चर्चा में आया, पता नहीं क्यों आया। क्या शब्द राजी ने कहे, वाणी आपकी कहने वाले राजी। लेकिन आज तो दिल की कुछ और ही स्थिति थी। मैंने आपसे कहा था मैं हैंड रेज नहीं करूंगा, आप नहीं करना, लेकिन आज तो मैं बोलूंगा। बोला नहीं जा रहा, फिर भी बोलूंगा। क्या बोलूंगा राजी, पता नहीं। लेकिन आज पता नहीं आनंद की कुछ विलक्षण स्थिति। सबसे पहले सुनीता सिंगल जी ने जीव को फटकारा, प्रबोधित किया वाणी से, वाणी गायन से, बहुत अच्छा लगा। लेकिन जैसे जैसे हरिदास जी और देवचंद्र जी की जो ये प्रेम की, जो ये प्रेम का प्रसंग है, तो प्रेम में इतनी ताकत है मदहोश करने की, आनंद देने की, वो प्रेम में ही है। वो जो चर्चा मेरे दिल को छुई जब आपने कहा, वो प्रसंग सुनाया कि लील भाई जी सेवा मांगती हैं अपने धनी जी से, धनी देवचंद्र जी से, कि सेवा मुझे दे दीजिए। तो धनी देवचंद्र जी ने कहा कि मैं सेवा आपको नहीं दे सकता क्योंकि आपको पहचान नहीं है। अर्थात वो कहना चाह रहे हैं जो संबंध हमारा परमात्मा से है, आपको पहचान नहीं है। यदि आपको बिना पहचान के सेवा में कुछ दुख हुआ तो सेवा निष्फल हो जाएगी। तो यहां सिखापन राजी हमें दे रहे हैं कि जो प्रेम आता है वो पहचान के बाद आता है, और पहचान कराने वाला ज्ञान है। तो ज्ञान तो बहुत आवश्यक है, बिना ज्ञान के तो पहचान होगी नहीं। और पहचान किसकी, अपने संबंध की, निस्वत की। एक छोटे से उदाहरण से, छोटे से दृष्टांत से सुंदर साहब जी चेक करता हूं मैं अपना। पहले हम चेक करते हैं हमारी निस्वत, हमें क्या पहचान राजी के से संबंध की है। एक छोटा सा उदाहरण कि हम कभी कभी सड़क पे जाते हैं तो देखते हैं सड़क पे कोई एक्सीडेंट हो गया है, तो रुकते हैं, थोड़ा ब्रेक लगाते हैं अपने व्हीकल पे, अरे क्या हुआ, अच्छा बुरा हुआ, ये देख के आगे निकल जाते हैं। अगर जब किसी का एक्सीडेंट हुआ है, पता लगे हमारा रिलेटिव है, तो थोड़ा सा दुख होता है, अरे अच्छा वो था। अगर ये पता लगे कि वो कोई एक्सीडेंट होने वाला हमारा परिवार का सदस्य है, ये संबंध का पता लगे, तो कितना धक्का लगेगा। वो वाला जो संबंध हमारा परिवार में हमें महसूस हो रहा है, उसकी पहचान है। लेकिन राज्य से संबंधित हमें धक्का नहीं लगता 400 साल से भी, तो इसका मतलब राजी मुझे अभी हमारे निस्वत, वो हमारी पहचान आपसे संबंध की नहीं हुई। जब पहचान हो वाको, जब पहचान हो वाको, तो सहे न बिछोहा खिन। क्या मेरी वो स्थिति आ गई है, नहीं आ गई है। हम वाणी, राजी ने वाणी का मंथन दिया, हम वाणी सुनते हैं, समझते हैं, भी तक सुना रहे हैं, आनंद आ रहा है, सुन रहे हैं। लेकिन स्वामी जी ने अपनी किसी चर्चा में कहा था, मुझे याद आ रहा है, कि हम राज्य के स्वरूप का तो वर्णन कर सकते हैं, राज्य का श्रृंगार वर्णन कर सकते हैं, राज्य का, श्यामा जी का, लेकिन जो राज्य का, जो प्रेम का संबंध है ना हमारा, जो राज्य का निस्बत है, उस स्वरूप का वर्णन नहीं करा जा सकता। मुझे लगता है सुंदर साहब जी यही सूत्र मिसिंग है, हमें अपनी निस्बत की पहचान नहीं हुई। जब तक बोला जा रहा है, जब तक प्रेम में नहीं डूबा जा रहा, तब तक राज्य की संबंध की हमें पहचान मुझे तो नहीं हुई। क्योंकि हक कछु इनविद खड़े, देखे ना हक तरफ। हम तो राज्य की तरफ देख ही नहीं रहे, माया की तरफ देख रहे हैं, सब संबंधों की तरफ देख रहे हैं। और जो स्वाद लगे महबूब का, तो मुख से ना निकसे एक हरफ। तो राज्य से वो संबंध जो धनी देवचंद्र जी ने पहचाना, हमें ज्ञान भी है, चर्चा सुन रहे हैं, बीतक सुन रहे हैं, आनंद आ रहा है, राज्य सुनाने वाले वही आनंद देने वाले हैं। लेकिन हे मेरे प्रियतम, अपने संबंध की पहचान कब कराओगे? कब वो दर्द जो धनी देवचंद्र जी में आया, इंद्रावती जी में आया,
लालदास जी में आया और जो बारह मोमिनों में आया वो वाला संबंध कब पहचान कराओगे? अर्ज के बारे में हम राज्य से करते भी हैं, लेकिन कब पहुंचती है? तहकीक अर्ज पहुंचत है जो भेजिए पाक दिल। तो वो पाक दिल कब होगा, वो दर्द कब आएगा, वो संबंध की पहचान कब होगी, निस्बत की पहचान कब होगी? स्वामी जी की किसी चर्चा में सुना था कि निस्बत का स्वरूप बहुत समझना कठिन है, उसका वर्णन नहीं करा जा सकता, तो राज्य ही कराने वाले हैं और कोई हो ही नहीं सकता। वाणी तो सोनिया दीदी की है, लेकिन इतना आनंद देने वाला कोई दूसरा है ही नहीं, ये तो मुझे दृढ़ विश्वास हो गया है। लेकिन वो कब देंगे, क्या दिखाने वाले हैं, वो जाने। आज का जो आनंद आया वो शब्दों में बांधना बहुत कठिन, और प्रेम की स्थिति कुछ विवलता सी वो बन रही है, शब्द आते नहीं। लेकिन इस आनंद के लिए, आनंद देने वाले के लिए पहले तो मेरे प्रियतम है, बाकी सब सुंदर साथ जो अपनी अर्चा रखते हैं, सबके मुख से, मुखारविंद से जो निकलता है वो भी आनंद देने वाला है। आप सभी सुंदर साथ जी के चरणों में कोट अनकोट प्रणाम। प्रणाम जी, प्रणाम जी, प्रणाम जी। राज जी देखिए सुंदर साथ जी, पहले सुखों का वो देखे ना, आओ चर्चनी में देखो ये कितना सुंदर है, ये कितना सुंदर, ऐसे लेकर आते हैं पहले, फिर बोलते हैं अब क्या इसमें घूम लोगी, डोलती रहोगी अकेली, या मैं चाहिए तुम्हें, क्या यही देखती रहोगी, पत्तों से पेट तुम्हारा भर जाएगा देख देख के, उनका दर्शन कर करके भर जाएगा, या मैं चाहिए तुम मेरी तरफ देखो, धीरे से अपनी तरफ मोड़ रहे हैं आप सुंदर साथ जी, किसी ना किसी तरह फंद डाल रहे हैं कि मेरी रूह बस मेरी तरफ तू देखती रहे, सुखों का भी लालच नहीं सुंदर साथ जी, कि माया के दुख हो रहे हैं स्वार्थी बनके, राजी अब ले चलो, राजी ले चलो अब वो सुख दे दो, नहीं ऐसे नहीं देंगे वो सुंदर साथ जी, राजी तू ही चाहिए तभी देंगे, चाहे दुख आए सुख आए मुझे कोई फर्क ही नहीं पड़ता। बहुत सुंदर दुष्यंत भैया, आपके चरणों में कोटान कोट प्रणाम। राज जी आपको ऐसे ही देते रहे और हम सब सुंदर साथ लेते रहे। प्रणाम जी, बहुत सुंदर। हाँ जी, अनु दीदी और फिर आशी दीदी। प्रणाम जी, प्रणाम जी, प्रणाम जी सुंदर साथ जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम सुंदर साथ जी। वैसे तो सुंदर साथ सबने सब कुछ बता ही दिया है, सब सुंदर साथ ने बहुत अच्छा भी गायन भी किया, अर्जी गायन और ब्रह्मवाणी तो मैं सुन नहीं पाई, बाद में ज्वाइन किया मैंने। पहले तो हरिदास जी ने जब उनके चरणों में प्रणाम किया, देवचंद्र जी के चरणों में प्रणाम किया, उससे मेरे मन में तो ये भाव आया कि किसी से भी उनको पहचान मिली थी, उनको उनसे उनकी सम्मान से उनको दर्शन हुए थे, तो उन्होंने हमें ये शिक्षा दे दी कि छोटा किसी को मत मानो, जिससे भी जो मिलता है ले लो। और दूसरा आपने दृष्टांत दिया था कि पेड़ वो चोटी पर बंदर चढ़ रहा है, एक ही पहुंच पाया, उसकी वजह देख रही वो सुन नहीं पा रहा था, उसके लिए हमें ये शिक्षा मिल रही है कि हमें अपनी माया की तरफ से अपने कान गूंगे का सुनना नहीं है, कानों से माया की तरफ से हमें सुनना नहीं बिल्कुल भी, वो पीछे से वाद्य लगाएंगे पर हमें राज्य की तरफ चलना है। और आपने एक और बंदर का दिया था कि वो पेड़ पर चढ़ना नहीं चाह रहा कि मेरे को तो नीचे से पत्तियां मिल रही हैं मैं खा लूंगा, उसका ये है कि हमें यदि परम धाम का आनंद लेना है, राज्य के दर्शनों का आनंद लेना है, तो फिर हमें मेहनत करनी पड़ेगी, चितवनी करनी पड़ेगी। और एक मेरे कल मैं मंदिर गई थी तो वहां पे ना एक प्रवाही सुंदर साथ प्रवाही भी संत से आए, उन्होंने भाषण दिया, भाषण ही हम कहेंगे, उन्होंने तो अपनी तरफ से सत्संग किया, और वहां पर बैठे सुंदर साथ कम से कम 50-60 सुंदर साथ होंगे, किसी के मन नहीं था सुनने का, पर वो हमें वो शिक्षा दे गए कि जो हमें उन्होंने बार बार यही कहा, जागो और नहीं जगाओ, जागो जगाओ, वो चाहे कह रहे थे कि गौ माता की भी, माता के बारे में कह रहे थे कि वो उसकी पूजा करो जैसे भी, पर जागो नहीं जगाओ हमारा ही उद्देश्य है। और दूसरा वो कह गए कि
मोबाइल फोन आप यूज करते रहते हो हमेशा, और मोबाइल फोन पर आप भी उसके बिना रह नहीं पाते, उसके ऊपर आप हर घंटे के लिए अपना लगा लो कुछ, वो अलार्म बजे आपको और याद करे, याद करो उसी बहाने से। और जब वाइब्रेशन वो हर घंटे आपने सभी ने लगाया, मान लो 30 बंदों ने लगाया, 30 बंद एक साथ बैठे हो, और 30 की एकदम से वो वाइब्रेशन चलेगी तो वो तो पिया तक पहुंचेगी। हाँ जी, बहुत सुंदर अनु दीदी, इससे हमें ये शिक्षा मिलती है सुंदर साथ जी, जहां से भी ये नहीं कि बस ठप्पा लगा के बैठे रहना कि हमारे पास, हमें पता है हमारे पास सबसे बड़ा ज्ञान है, पर रहनी में तो उतनी बड़ी उतनी ऊंची रहनी में तो हम नहीं उतरे ना, तो जहां से जो अच्छी बात मिले, जो मेरे पिया के नजदीक मुझे करती हो, जो अच्छी शिक्षा मिले वो ले लेनी चाहिए। सुंदर साथ जी, किसी को छोटा ना समझें, किसी को तुच्छ ना समझें कि अरे तुम्हारा ज्ञान क्या हमारे पास होगा, हमारे पास सबसे बड़ा निस्बत से दे दिया पर हमने क्या किया, रहनी तो उनकी हमसे भी ऊंची है, तो आइए रहनी के कुछ सूत्र ही उनसे ले लें, रहनी के कुछ गुण ही उनसे प्राप्त कर लें, कभी किसी को छोटा ना समझें सुंदर साहब जी। हाँ जी आशी दीदी, प्रणाम जी। प्रणाम जी सोनिया, प्रणाम जी सुंदर साहब जी, छोटे छोटे प्रणाम जी। 6 बजे से लेकर 7:40 हो गए, हर शब्द दिल में उतारने लायक, हर शब्द, तो इसके बारे में तो नहीं बोलूंगी, ना ही अपना टाइम ज्यादा देता है। मतलब दुष्यंत भैया बोल रहे थे तो मुझे आपके सब एक एक शब्द दिल में याद आ रहा था, क्योंकि उन्होंने काफी समझाया भी, बताया भी, थोड़ा ऐड भी करा, लेकिन जो मेरे दिल में बात आ रही थी ना, वो जो आपने लील भाई जी के उदाहरण से समझाया, पहचान, आपने एक वर्ड बोला था पहचान किसको कहते हैं, पहचान तब जब उस पहचान की, जब उस रिश्ते की कसक दिल में आ जाए, जब तक वो कसक रूह में नहीं ना उतरती तब तक पहचान पूरी नहीं है। तो मुझे बस वो ही तड़प आ गया, जब वो रिश्ते की तड़प आएगी ना दिल में, तभी तभी हम राज्य को मिलने के लिए कोशिश भी करेंगे, वरना हमारी कोशिशें भी अधूरी हैं। और उन कोशिशों के लिए सोनिया जो आपने दोनों उदाहरण दिए ना, बंदर वाले, दोनों हृदय को बहुत छू गए, और उन दोनों पे सुंदर साथ जी हमने अमल करना है। पहले धनी हमें उस रिश्ते की कसक दे, तड़प दे, जब तक तड़प नहीं होगी मिलने का दिल कैसे करेगा। तो पहचान का मतलब तड़प संवेद जो पहचान होती है, तो पहले उदाहरण में सब समझ गए क्या करना चाहते हैं कि हमें माया को पेश देनी है, प्रैक्टिकली देनी है, और दूसरे उदाहरण में हमें वो अगर कोमल कोमल पत्तियां लेनी है तो ऊंचे चढ़ना ही पड़ेगा, छोटी छलांग से कुछ नहीं बनेगा। अब छोटी छोटी करके बड़ी बनती है कोई शक नहीं, लेकिन बड़ी तक पहुंचना पड़ेगा। सुंदर साहब जी, मुझे ये भाव आज के दिल में बहुत उतरे, और कोशिश करूंगी कि ये उतरे रहे, इनपे चलने का प्रयास करना। प्रणाम जी सुंदर साहब जी। प्रणाम जी आशी दीदी, बहुत सुंदर आपने उसको फिर से दोहराया, मुझे कल लग रहा था कि बोलते हैं चितवन नहीं लगती, बोलते हैं छोटी सी छलांग मारो आज बैठो, फिर गिर जाओगे, फिर नहीं लगेगी आज, फिर एक और छोटी, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, बार बार गिरते रहेंगे, बार बार गिरते रहेंगे, पर अंत में जो मिलने वाला है ना, बस नजर उस पे रखो कि नेत्रों में मैंने अटकना है पिया जी आपके, कितनी बार गिरते रहे पिया गिरने नहीं देते सुंदर साहब जी, नीचे भी वो ऐसे कोमल बिछा देते हैं कि बार बार इस घड़े पे मैंने ठोकना तो है पर हाथ मैंने ही अंदर रखना है इसके। बड़ी सुंदर उदाहरण सरकार श्री दिया करते थे, ठोक तो वो बाहर से रहा है पर घड़ा बनाना भी तो सुंदर है ना, परफेक्ट घड़ा बनाने के लिए बार बार ठोकना पड़ता है। सुंदर साहब जी अगर ठोक रहे हैं ना तो समझ लीजिए कि मंजिल की ओर बढ़ रहे हैं। प्रणाम जी, प्रणाम जी। प्रफुल्ला बेन, प्रणाम जी। प्रणाम जी। अरस्त दिल लाडली रूह, जिसके दिल में विराजमान सतगुरु, और सतगुरु के दिल में विराजमान युगल स्वरूप के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। और जो हमारे बंगला जी दरबार में जो रूहे सजी है, रूहों के दिल में विराजमान युगल स्वरूप के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। सब रूहों ने इतना सुंदर वर्णन किया, बोलने की तो जरूरत ही नहीं पड़ती,
कृष्ण स्वामी जी एक बात बहुत अच्छी कहते हैं, घुमरा होता है नहीं तो फोरा, वो हर फूल का पराग चिखता है, उसके फूल से मतलब नहीं है, इससे तो वो रस से मतलब है, जो कहीं से भी मिले वहीं से हमें वही रस लेना है। तो हमें, हम तो जीव ने तो जो इतना सुनीता दीदी ने कहा ना कि तारतम देख विचार के पियो लिया ये दो ही बार, इतनी आग सिर पर जले रहिया खांगड़ू हो, कि हमारे सिर पर तो इतनी आग जलती है कि हम नाम के बंधन में तन के बंधन में फंसे रहते हैं, लेकिन हमें वो रस जो मिलता है ना उससे हमें कोई लेना देना नहीं। हम तो वाणी में तो धनी ने इतना उदाहरण जीवों का दिया है कि हम वो पढ़कर हम इतना इनके जैसा ही नहीं बन पाते हैं। और दावा तो हमने लिया है कि परम धाम की सुहागनी है, लेकिन सुहागनी का मतलब ही हमें नहीं मालूम है कि सुहागिनी कहते किस। धनी ने कहा है ना हमें, मेरी सुहागिन होगी ने वो तो मेरा समर्पण का श्रृंगार सज कर विरह के अश्रु की तारा बहाक, जो फूल समर्पण रूप मुझे चढ़ाएंगे ना वो मेरी सुहागिनी होगी। तो हमें वही सुहागिन बनकर वही रेहनी अपना कर, कि हमें अब तक हमारे निस्बत की पहचान ही नहीं, तो ब्रज में थे तो हमें क्या, हमें निस्बत की पहचान थी नहीं थी, क्योंकि आज हमें निस्बत की, वहदत की, एकत्व की, इश्क की, इल्म की सब पहचान तनी ने हमें इस तारतम वाणी से दे दिए, लेकिन फिर भी हम इतने खंगड़ू बन गए हैं ना, हम इसी राह पर चल ही नहीं सकते। हमारे सतगुरु इतना इस घड़े के अंदर हाथ रख, इतने वचन टोक 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 कर हमें इस राह पर ले आ रहे हैं कि चितवनी करो तो प्रत्यक्ष होकर तुम इस रस का आनंद ले पाओगे। तो हमें तो उनसे ही कोई मतलब नहीं है, चितवनी करोगे तो मर जाएंगे, चितवनी करने से मरना नहीं है, हमारी खुद अपनी जो असल निस्बत है ना उसकी हमें तब पहचान होती है कि हम परातम को कब देखेंगे, जब वो हमारी आत्मिक दृष्टि खुलेगी तब हमें मूल स्वरूप और हमारी परातम दिखेगी, इसके बिना हमें हमारी परातम दिखने वाली नहीं है। तो ये जीव की दृष्टि जब बंद ऊपर से होगी, स्तन की दृष्टि, तब हमारी आत्मिक दृष्टि खुलेगी, और हमारे आत्मिक दृष्टि खुलने से तो हमारे दिल को, उस गुनेगार को दिल को अरस कर बैठे कसम, तो हमने गुना किया फिर भी हमारे दिल को अरस कर कर धनी बैठे हैं, और उस दिल में विराजमान मेरे युगल स्वरूप और 12,000 रूहे इस दिल में समाई हुई है, तो उस दिल का जो प्रत्यक्ष होगा ना तो पता चलेगा कि हमारा मूल मिलावा कहाँ है। इसलिए तो धनी ने कहा कि इस जागनी ब्रह्मांड में तुम यही इथी बैठे कर जागे काम पूर्ण मनोरथ हुए सबका, जब हमारे दिल में हम प्रत्यक्ष करेंगे तब हमें उस वतन पार का जो अक्षर से भी परे है ना उस वतन का लज्जत सुख हमें यहाँ ही लेनी है, और यहाँ से ही लेकर हमें मूल मिलावे में जागरूक होकर धनी के साथ इस जागने की मीठी मीठी बातें करनी है। प्रेम प्रणाम जी, सब सुंदर साथ के चरणों में प्रणाम जी, प्रफुल्ला बेन आपके चरणों में कोटान कोट प्रणाम जी। दुष्यंत भैया ने एक दिन कहा था, मुझे याद आ रही थी, कल हम लोगों ने बात भी की, लवी गीता दीदी, दुष्यंत भैया ने एक दिन कहा था, और भैया आपको पता भी नहीं था कि 3-4 दिन पहले मैं अपने आप से ही बात कर रही थी कि महाराज जी की जीवनी, उनकी बीतक पढ़े हुए बहुत समय हो गया मुझे, बहुत साल पहले पढ़ी थी, अभी प्रेम का चांद पढ़ी, तो उनको हमने एक बार ऐसा कुछ हो कि करें, और 2 दिन बाद दुष्यंत भैया के मुख से इसमें निकल गया कि वो जरूर की जाए। सुंदर साथ जी, श्री बीतक साहब के होने के बाद जरूर हम शेरपुर वाले अपने प्यारे महाराज जी उनकी जीवनी जरूर जरूर पढ़ेंगे, धनी जी की मेहर से वो स्वयं करवाएंगे, मुझे तो पता ही नहीं होता
क्योंकि इनएक्सपीरियंस्ड अमैच्योर बोलते हैं ना, जिसको पता ही नहीं है बेचारे को होना क्या वाला है, बस सामने आके ऐसे पुतला सा बैठ जाता है, पता ही नहीं होता धनी आप क्या करने वाले हो। मैं खुद, आप बोल रहे होते हो ना सुंदर साहब जी कि प्रणाम, मैं खुद अपने आप में शर्म महसूस कर रही होती हूँ कि कहने वाला तो उठ के गया, जिसने कहा उसने सुना होगा, मैं कुछ नहीं हूँ सुंदर साहब जी, मुझे कुछ नहीं आता है बिल्कुल भी। मुझे तो ये भी नहीं पता होता, मैं लिख देती हूँ अपनी तरफ से कि आज, मैं वही सोच रही थी अभी कि आज दूसरे दर्शन होंगे। राज जी कहते हैं कैसे होंगे, अभी तो मैंने सोचा ही नहीं है कि आज दूसरे दर्शन उनको चितवन में अभी हो जाएंगे, अभी तो वो सेवा कर रहे हैं। तो वो धनी को पता होता है एक शब्द भी उन्होंने कैसे निकलवाना है, क्या करना है। तो ये पूरी पूर्ण इतना सा अंश भी जिसमें अपना ना हो ना सुंदर साहब जी, 100% मेहर, 100% सतगुरु का आशीर्वाद कार्य कर रहा है। कोई तन, कोई जीव, कोई कुछ नहीं कर रहा इसमें, नतमस्तक होना है तो उनके लिए होइए, जिनके आवेश स्वरूप से वाणी उतरी हो, जिन्होंने टीका किया हो, जिन्होंने उनको लिखा हो, उनके चरणों में कोटान कोट प्रणाम जी। अपना कुछ है ही नहीं सुंदर साहब जी, प्रणाम जी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। कभी कभी पूरी श्री बीतक साहब पूरा टाइम हो जाता है और अंत में ऐसे लगता है कि धनी ने छोड़ दिया, आपकी जयकारा लगाओ और वो आवाज निकल ही नहीं रही होती। और कभी लगता है कि पिया अपना जयकारा खुद कैसे लगाए ना, तो बोलते हैं वो तू लगा ले, अब कम से कम जयकारा लगा मेरा बैठ के, तो वो भी लगाने की हिम्मत नहीं हो रही होती, आवाज नहीं निकल रही होती। सुंदर साहब जी प्रणाम जी, प्रणाम जी।